YouTube की दुनिया में तहलका मचाता हुआ डहरिया म्यूजिक प्रस्तुत करते हैं सुंदर सुंदर ऑडियो वीडियो एल्बम। ज्ञान अमृत 15 नकारात्मक सोच कैसे हटाए। जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। आइए नकारात्मक सोच को हटाने के बहुत सुंदर उपाय वैदिक दृष्टिकोण से। आइए आपका सबका भारी भारी स्वागत है डहरिया म्यूजिक डीएसटी भक्ति भजन की ओर से। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आइए सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं इस संसार में दो प्रकार की शक्तियां कहा गया है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक शक्ति वह होता है जो हर हाल में आगे बढ़ने के लिए वो सोचता है, और नकारात्मक शक्ति में कोई भी कर्म करेगा वो तो मन में विचार करेगा, क्या बताऊं अभी मेरे को इस बस में चढ़ना है और क्या मालूम इस बस का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं रास्ते में चल रहा हूं तो मेरे गर्मी लगने लग जाए, धूप में पड़ जाऊं, कहीं मेरे ऊपर बर्फ गिरने लग जाए, कहीं मैं हवा में गिर पड़ूं, कहीं मैं अनेक अनेक प्रकार से रोग में ना पड़ जाऊं, कहीं मैं किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं किसी प्रकार से मैं कर्ज में ना डूब जाऊं, कहीं किसी ने प्रकार से मेरा लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ऐसे करके रातों दिन उनके दिमाग में निगेटिव पॉइंट्स नकारात्मक सोच दौड़ती रहती है। नकारात्मक सोच का मतलब ये है कि जीवन में हर चीज को नाना, नाना से कुछ नहीं मिलता जीवन में, हर चीज में हाँ हाँ हाँ, मैं करूंगा, तब करूंगा, मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, और मेरे से बेहतर इस चीज को कोई नहीं कर सकता, सबसे सुंदर मैं करूंगा, ऐसी भावना से कर्म करना चाहिए। क्योंकि नकारात्मक सोच हमारे कैसे हटेंगे, आइए इसके कुछ उपाय की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम नकारात्मक सोच, खूब हंसी, खूब हंसने पर नकारात्मक सोच दूर होता है। ऐसे ऐसी चीजों का याद करिए जो आपको प्रसन्नता प्रदान करे, ऐसे चीजों को जीवन में भूतकाल की घटना को याद न करें जो आपको क्रोधित कर दे, दुखी कर दे, रुला दे, ऐसा चीज अपने दिमाग में मत लाइए। बड़े सुंदर सुंदर सोच को अपने मन में लाइए, अच्छी अच्छी चीज सोचिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए। और नकारात्मक पॉइंट को हटाने का पहला उपाय, जो आपका इच्छा हो सुंदर चीज भोजन ग्रहण करो, वो चीज खाओ और शुद्ध शाकाहारी का ही सेवन करें। इसके पश्चात आप किसी भी प्रकार से सुंदर गाने को सुने जो आपको बहुत पसंद है, सोने के समय में एकाग्र चित्त होने वाले सुंदर पुराने गीतों को सुने, और सोने के समय सुंदर सुंदर गीतों को सुन करके और बढ़िया रात में चैन की नींद सोवे। और आप यदि किसी भी प्रकार से खेल को खेलते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, किसी भी प्रकार से उस खेल के लिए भी आप समय निकालिए। तनाव मुक्त रहने के लिए खेल खेलना भी बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है, योग करना भी बहुत जरूरी है। इस संसार में बाबा रामदेव जी ने योग को एक नया पहचान पूरे विश्व में दिया है। आइए निगेटिव पॉइंट को दूर करने के लिए और कई से उपाय की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में, हमारे मन में नकारात्मक सोच हावी न होने पाए, इसके लिए कभी कभी हमको बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए। और जैसे कुछ पुराने सुंदर किताब हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी के सुंदर हास्य कहानियां, बाजार से खरीद करके मुंशी प्रेमचंद जी के सुंदर पुस्तक को कभी पढ़ना चाहिए जिसमें हास्य कहानियां, इससे नकारात्मक सोच दूर होती है। हमको अपने ऐसे मित्र के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए जो हमको सिर्फ नकारात्मक सोच की तरफ हमको ले जाए, हमको अपने उस मित्र के साथ बैठना चाहिए जो हमको पॉजिटिव बनाने का यत्न प्रयत्न करता रहे, हमको आगे बढ़ने का प्रेरणा देता रहे, पॉजिटिव की ओर पर, मतलब नकारात्मक सोच ही न डाले बल्कि सकारात्मक सोच डाले। हमारे कुछ मित्र ऐसे बैठते हैं
वो बोलते हैं, अरे यार तेरा तो कुछ नहीं हुआ, तेरा इतना नुकसान हो गया, बता तेरा आगे क्या होगा। तो वो मित्र हमारा नहीं है, वो शत्रु है, उसको तो हमारा ऐसा मनोबल बढ़ाना चाहिए, अरे भैया हम तेरे साथ खड़े हैं, तू कर्म कर, निश्चित रूप से तू सकारात्मक सोच को अपने जीवन में बढ़ा, सकारात्मक सोच को तू आगे ले जा, इस संसार में तेरे साथ सिर्फ हित होगा, तेरे साथ अहित कभी नहीं होगा। इस प्रकार से हमको उस मित्र से भी सावधान रहना चाहिए जो हमारे नकारात्मक सोच को बढ़ा दे। टीवी में ऐसे शो को न देखना चाहिए जिससे आपको भय हो, डर हो, जो आपको टेंशन प्रदान करे। लंबे लंबे सीरियल्स को न देखना चाहिए जिसका परिणाम 5 साल के बाद भी वही रहता है। आप छोटा फिल्म 2 घंटे का देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी शो को देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर गीतों को सुन सकते हैं। और हर काम करने के लिए आप मन में ऐसा विचार बना के चलिए कि इस काम को सिर्फ मैं करूँगा और दुनिया में कोई अच्छे से नहीं कर सकता, मेरे अलावा दुनिया में ये काम कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। ऐसा आप मन में सकारात्मक सोच बनाइए तो निश्चित रूप से सकारात्मक सोच के द्वारा ही नकारात्मक सोच को मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं। आप ज्ञान अमृत की इस कड़ी को बहुत मन लगा के सुने हैं, आप जरूर इस ज्ञान अमृत में इसमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मार्ग का अनुसरण करने के कारण निश्चित रूप से आपके मन में जरा सा भी नकारात्मक निगेटिव पॉइंट्स नहीं भटकने पाएगी और आपके जीवन में सकारात्मक सोच का अभ्युदय होगा। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।